हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोइसर्स लेक्चर। आज मैं आपको क्लास 9 से सर्कल्स चैप्टर की एक थ्योरम है, यानी कि एक प्रॉपर्टी है, थ्योरम है, कुछ भी समझ लीजिए, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आपको एक प्रॉपर्टी आज प्रूव करवाऊंगा जिसका नाम है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। मतलब एक आपको जिसमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, जिसमें आपसे एक्सटीरियर एंगल के बारे में बात की जाएगी, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल सीबी, इसके बारे में बात की जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले स्टेटमेंट क्या होता है वो देख लेते हैं। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का जो स्टेटमेंट होता है वो होता है, इफ वन साइड ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज प्रोड्यूस्ड, देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। सही है, ये इसका स्टेटमेंट आपके लिए मैंने लिख दिया है। ये ऐसे भी आ सकता है, स्टेट एंड प्रूव एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। मतलब आपको स्टेटमेंट भी देना है और आपको प्रूफ भी करना है, ठीक है। चलिए, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उसमें वो क्या कह रहा है, इफ वन साइड ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अगर आपको मान लीजिए कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया है एबीसीडी, उसकी किसी एक साइड को प्रोड्यूस किया जाए आगे तक, बढ़ाया जाए, मतलब जैसे हमने एबी को आगे ई तक बढ़ाया है, तो आपको प्रूव करना है कि जो एक्सटीरियर एंगल होगा, ये एक्सटीरियर एंगल होगा, एक्सटीरियर क्यों, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल से बाहर निकल रहा है। देख लीजिए, क्वाड्रिलेटरल से बाहर आ रहा है, ए बी सी डी तो ये रहा, इसके बाहर आ रहा है, ये इक्वल होगा इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के, अंदर वाले ऑपोजिट एंगल के, मतलब इसके जो सामने आ रहा होगा और वो भी इंटीरियर। तो देखिए, इसके ऑपोजिट कौन सा एंगल होगा, ये एंगल डी एंगल, और इंटीरियर भी है, एंगल ए डी सी अंदर आ रहा है और इसके कैसा है, ऑपोजिट है, क्लियर। तो यानी कि हमें प्रूफ करना है कि एंगल सी बी एंगल ए डी सी के इक्वल होगा, सही है। चलिए, तो देखिए यहां से सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन, सही है, गिवन में हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है असाइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, असाइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, नेमिंग क्या है, ए बी सी डी, सही है, हूज साइड ए बी इज प्रोड्यूस्ड टू ई, सही है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है ए बी सी डी, जिसकी साइड ए बी को हमने ई तक प्रोड्यूस किया, सही है। चलिए, उसके बाद क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव हमें प्रूफ करना है एंगल सी बी ई इज इक्वल्स टू एंगल ए डी सी, हमें प्रूफ करना है एंगल सी बी ई, सी बी ई इक्वल एंगल ए डी सी के, क्लियर। चलिए, तो प्रूफ देखेंगे, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, टारगेट सेट कर लेते हैं, क्या करना है हमें, इस वाले एंगल को इसके इक्वल करना है, सही है। तो देखिए कैसे, आप सब जानते हैं, आपने सिक्स चैप्टर में पढ़ा होगा लाइन्स एंड एंगल्स में, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं। अगर कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन पे दो एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं, ये इनका सम कितना होता है, 180। तो मैं क्या लिख सकता हूं फ्रेंड्स, एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय एल पी ए, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, पूरा लिखिएगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स से एंगल ए बी सी इसका और एंगल सी बी इसका, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, सही है। चलिए, इसे मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ, एंड सेकंड, आप जानते हैं हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, जो थ्योरम है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है, मतलब एंगल ए बी सी और एंगल ए डी सी, ये अपोजिट एंगल एक दूसरे के, इनका सम कितना होगा, 180। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिख सकते हैं, पहले चाहे तो आप स्टेटमेंट लिख दीजिए, वरना वैसे भी लिख सकते हैं कि एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ए बी सी प्लस ए डी सी 180, लेकिन रीजन लिखना पड़ेगा। आप क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। फ्रेंड्स, लैंग्वेज थोड़ी चेंज की है, क्या किया,
जो अपोजिट एंगल्स होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, वो सप्लीमेंट्री होते हैं। मैंने ये लिख दिया सप्लीमेंट्री, मतलब अंडरस्टूड है कि उन दोनों एंगल्स का सम 180 होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं ना, ठीक, ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए इक्वेशन नंबर टू। अब फ्रेंड्स मैंने आपको कई बार बताया कि जब LHS इक्वल हो तो RHS भी इक्वल होता है, और जब RHS इक्वल हो तो LHS भी इक्वल होता है। तो देखिए इसमें 180 180 RHS इक्वल है, कैसे लिख के दिखाया है हमेशा, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, इससे दोनों से लेंगे, RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल होगा। यानी कि मैं लिख सकता हूँ एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी वी ई इज इक्वल्स टू एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी, सही है, दिख तो रहा होगा क्लियरली, एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी, एंगल ए बी सी से एंगल ए बी सी कैंसिल आउट हो जाएगा और एंगल सी बी किसके इक्वल आ गया, एंगल सी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए डी सी। और देखिए फ्रेंड्स हमें टू प्रूफ में यही करना था, सी बी को हमें ए डी सी के लाना था, हेंस प्रूफ। तो फ्रेंड्स ये था, तो हम इसे क्या कर सकते हैं क्वेश्चंस में भी, इसीलिए हम कई बार इसे डायरेक्टली अप्लाइड कर सकते हैं कि अगर एक साइड को प्रोड्यूस किया है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, तो उसका जो एक्सटीरियर एंगल होगा उसे हम डायरेक्टली उसके अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल लिख सकते हैं, और उसके आगे लिख सकते हैं प्रॉपर्टी रीजन में, जैसे मैं ये लिखता हूँ ना कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, आप लिख सकते हैं इसे डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। बट ये था इसका प्रूफ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और आपको वीडियो समझ में आई तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।